हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी को पार्ट टू की ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताना। और ये देखिए, यहाँ पे ना हमारे क्या होती है ना, राजपूत कास्ट में ना व्रत का ना नौ कर्म करते हैं। तो मेरे भैया के ना दो दिन व्रत रखे थे, तो इसलिए पहले दिन में ना छः कर्म करते हैं, फिर दूसरे दिन में तीन कर्म करते हैं, फिर ना बाराती जाते हैं। तो मैं ना पार्ट टू के ब्लॉग में क्या करूँगी ना, आप सभी को छः कर्म के व्रत दिखाऊँगी। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे बेदी में ना जो बैठे हैं ना, वो इनके चाचा चाची हैं। और ये कत्ता हुए हैं, क्योंकि कत्ता मतलब ये होती है कि इनके माँ बाबा हुए हैं। और मेरे मामा जी जो हैं ना, वो नहीं हैं, उनको दो साल हो चुकी है। तो बहुत दुख लगती है, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तभी देख पाई थी, लेकिन अभी तो मैं देखी भी नहीं हूँ। और मुझे बहुत दुख लगती है, क्योंकि मैं देख नहीं पाई बोल के। और ये देखिए, यहाँ पे ना जो माई लोग होते हैं ना, वो ना अपने भांजे को ना अंदर से जो व्रत होते हैं ना, वो घर के अंदर से ना चावल ले आते हैं हाथ में। और वो उस चावल को ना क्या करते हैं, वेदी की एक परिक्रमा करते हैं, फिर ना उसे ना ब्राह्मण जी को देते हैं। तो देखिए, ये देखिए किसी के दे रहे हैं मेरे बड़े भैया, फिर ना तीनों के जो व्रत है ना, इसलिए तीनों ही ऐसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे राजपूत कास्ट में क्या होती है ना, कि व्रत के नौ कर्म करते हैं, जो एक दिन में भी नौ कर्म कर लेते हैं, और कोई दो दिन भी रखते हैं। लेकिन भैया की ना दो दिन रखे थे व्रत, तो इसलिए पहले दिन में छः कर्म करते हैं, फिर दूसरे दिन में तीन कर्म करते हैं। नौ कर्म ख़त्म होने के बाद ना क्या होती है ना, उनको ना मुंडन करके ना, फिर ना उनको भिक्षा मांगने ले जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर बाराती जाते हैं। पहले कर्म में क्या होती है ना, कि बच्चे जन्म लेते हैं, फिर ना उनको ना उनके नाभि में क्या होती है ना, कि उनको नाभि में एक रस्सी टाइप का रख के ना उसे काटते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं। फिर क्या होती है ना, कि जैसे बच्चे को ना 21 दिन में काला टीका लगाते हैं, वैसे ही इनके जो बुआ होते हैं ना, वो काला टीका लगाएंगे। तो ये देखिए कैसे के लगा रहे हैं, इनके बुआ हैं ये, और तीनों को ही काला टीका लगाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी को, देखिए। और ये देखिए, यहाँ पे सूर्य नमस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, फिर उनको सूर्य नमस्कार करके फिर लाते हैं, और फिर दूध पिलाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे के दूध पिलाते हैं। अपने मम्मी पिलाएंगे, फिर ना उसके बाद ना जो माइयों होते हैं ना, वो पिलाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे के पिलाते हैं जो, और दूध ना सिल्वर के चम्मच से पिलाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर माँ तीनों को भी दूध पिलाएंगे, फिर ना मेरी दो नंबर वाली चाची पिलाएंगे, फिर तीन नंबर वाली मतलब छोटी चाची पिलाएंगे। तो देखिए, और ये देखिए, यहाँ पे सभी के लिए खाना पका रहे थे। ये देखिए, ये रात के टाइम की क्लिप्स है, मतलब कि रात की आठ बज गई थी उस वक्त। हाँ, सब यहाँ पे बैठे थे, मतलब कि बुआ लोग बैठे थे, और चाचियों बैठे थे, और दीदी लोग बैठे थे। और ये देखिए, यहाँ पे ना मेरी छोटी बुआ की बेटे जो कि डांस कर रहे हैं, और उसके बाद ना मेरी चाची भी मेरी छोटी बहन को डांस करवाते हैं।
और सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलेंगे पार्ट 3 के व्लॉग में।